गरज उठे गगन सारा, समुद्र अपना छोड़े किनारा, हिल जाए संसार सारा जब गूंजे श्री राम का नारा। राम के नाम में सबकी जान बसती है, और हो भी क्यों ना, राम नवमी के दिन जब पूरे देश भर में राम नाम के जयकारे लगते हैं और सड़कों पर भगवा ध्वज लहराता है, तो ये नजारा देखते ही बनता है, सबकी सांसें थम जाती है। और आज रामनवमी के इस अवसर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं राजधानी रांची के सबसे प्रसिद्ध राम मंदिरों में से एक, तपोवन मंदिर। राजधानी रांची में रामनवमी का इतिहास काफी पुराना है, और उतना ही पुराना है इस तपोवन मंदिर का इतिहास। इस मंदिर को तप की भूमि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर कई ऋषि मुनि आकर तप किया करते थे और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती थी। रामनवमी के दिन सुबह 6 बजे से ही मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, और मंगल आरती के साथ मंदिर के पट खुलते हैं। श्री राम को फल फूल और मेवे के साथ श्रृंगार किया जाता है, और उन्हें उसके बाद भोग लगाया जाता है, जिसके बाद लगभग 3 से 4 बजे के बाद जब जुलूस सड़कों पर निकलता है, तो वो सारे जुलूस राजधानी में जो रहते हैं वो ढोल और नगाड़ों की गूंज के बीच यहाँ तपोवन मंदिर पहुँचते हैं। लगभग 400 साल पुराना ये तपोवन मंदिर राजधानी के सबसे प्रसिद्ध राम मंदिरों में से एक है, और खास करके रामनवमी के दिन इसकी रौनक देखते ही बनती है, जहां इस पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और लगभग हर साल आज से नहीं 1929 से लेकर के आज तक जो जुलूस है, जो अखाड़े हैं, वो सब मिल करके रामनवमी के दिन आज यहाँ आते हैं। लोगों की इस तपोवन मंदिर पर गहरी आस्था है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की दक्षिणेश्वर प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, और हो भी क्यों ना, राम का नाम ही ऐसा है जो सभी के चेहरों पर रौनक ले आता है। और इस रामनवमी हम भी उम्मीद करते हैं कि राम का नाम आप सभी के जीवन में खुशियां भर दे। जय श्री राम। समाचार प्लस, खबर वही,
जो हमने कही।